देखिए आगे सबक। व तहलियतुल मुसहफ बिर्रफ़ अदफ़ अला अख़्ज़ दैनिन व दुखूलु ज़िम्मियिल मस्जिद हाज़ा इंदना व इंद मालिक व शाफ़ई रहिमहुम अल्लाह तआला युकरह لقوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام قلنا لا يراد نهي الكفار عن هذا لأن قوله إنما المشركون نجس لا يوجب الحرمة بعد عامهم هذا بل المراد بشارة المسلمين بأن الكفار لا يتمكنون من الدخول بعد عامهم هذا। मुतफर्रिक किस्म के मसाइल जिक्र हो रहे हैं भाई किताबुल कराहिया के अंदर। तो आगे फरमाते हैं व तहलियतुल मुसहफी, ये जो पीछे आया था एक डेढ़ सतर कबल, व जाजा अख्जु दैनिन, ये अख्जु दैन ये फाइल है जाजा के लिए और जायज है दैन का लेना। इसी अख्जे दैन पर आतफ है तहलियतुल मुसहफ का। बात समझ में आ रही है? यानी जायज है, वो जायज है तहलियतुल मुसहफी, मुसहफ का तहलिया। तहलिया कहते हैं मुजयन करना भाई, जेवर पहनाना। मुसहफ यानी कुरान भाई, कुरान, कुरान को मुजयन करना, उस पर सोने या चांदी की चीजें चढ़ाना या सोने चांदी के तारों से उसके ऊपर कोई चीज बनाना, कहते हैं ये जायज है भाई, क्योंकि ये ताजीम के लिए किया जाता है और ये जायज है भाई। तो कहते हैं वह जायज है तहलियतुल मुसहफी, कुरान को जेवर से आरास्ता करना, बिर्रफ़ी, कहते हैं ये तहलियतुल मुसहफ रफा के साथ पढ़ें, इस पर रफा पढ़ें, अतफुन अला अख्ज़ दैनिन, ये रफा के साथ है, अख्ज़ दैन पर आतफ है। वह दुखूलु दिमील मस्जिदा, ये भी उसी पर आतफ है। आगे काफी दूर तक इबारत जाएगी, ये सब का आतफ उसी अख्जे दैन पर है भाई। और वो मरफू था तो ये सब भी मरफू, और वो जायज था तो ये सब चीजें जो आगे जिक्र होंगी ये भी क्या होंगी, जायज होंगी। तो दुखूलु जिम्मील मस्जिदा, और जायज है जिम्मी का दाखिल होना मस्जिद में। जिम्मी आप जानते हैं वो कुफार जो दारुल इस्लाम में रहते हैं और जिजिया अदा करते हैं, सालाना टैक्स अदा करते हैं कि इस्लामी ममलिकत जो है वो उनकी हिफाजत की जिम्मेदार होती है, तो उसकी वजह से वो उनसे कुछ सालाना टैक्स लेती है जो बड़ा ही मामूली और थोड़ा सा होता है। तो उन कुफार को जो दारुल इस्लाम में रहते हैं उनको जिम्मी कहते हैं। तो जिम्मी का मस्जिद में दाखिल होना इंद अल अहनाफ जायज है भाई। तो कहते हैं वह दुखूलु जिम्मी यिल मस्जिदा, और जायज है जिम्मी का मस्जिद में दाखिल होना, हादा इंदना, ये हमारे नजदीक है, वह इंद मालिकिन व शाफिई ये रहिमहुमल्लाह ताला युकरहु, और इमाम मालिक और इमाम शाफिई रहिमहुमल्लाह के नजदीक मकरूह है। याद रखिए इमाम शाफई रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जिम्मी जो है वो मस्जिदुल हराम में दाखिल नहीं हो सकता, बाकी मसाजिद में दाखिल हो सकता है। और उनकी दलील ये जो आगे आयत आ रही है कि नमल मुशरिकून नजसुन फला यकरबुल मस्जिदुल हराम, यहां सिर्फ मस्जिद हराम का जिक्र है, इसलिए वो फरमाते हैं कि मस्जिद हराम में दाखिल नहीं हो सकता, बाकी मस्जिदों में दाखिल हो सकता है। जबकि इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जिम्मी किसी भी मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि यहां से पता चल गया कि इन नमल मुशिकूना नजसुन, मुशिक क्या है, नजस है, इसलिए उनका मस्जिद में दाखिल होना मना है भाई। तो वो तमाम मसाजिद का यही हुक्म बयान फरमाते हैं। तो कहते हैं वईद मालिक रहमहुल्लाह व शाफई रहमहुल्लाह युकरह, इमाम मालिक और इमाम शाफी रहमहुल्लाह के नजदीक मकरूह है। लिकौलिही ताला, अल्लाह ताला के इस कौल की वजह से, इन नमल मुश्रिकून नजस, उनके मुश्रिकीन जो है वो नजस हैं,
فلا يقرب المسجد الحرام، پس وہ قریب نہ جائیں کس کے، مسجد الحرام کے. اور آگے آیت میں ہے بعد عامهم هذا، اس سال کے بعد. فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وہ قریب نہ جائیں مسجد الحرام کے اس سال کے بعد. تو یہ ان کی دلیل ہے، کہتے ہیں دیکھو اس میں مشرکین کو نجس قرار دیا گیا ہے اور ان کو مسجد الحرام کے قریب جانے سے منع کیا گیا ہے، تو لہذا وہ داخل نہیں ہو سکتے. قلنا، ہم جواب میں کہتے ہیں، ہمارا کیا مذہب تھا کہ ذمی مسجد میں داخل ہو سکتا ہے. یاد رکھو ہم احناف جو ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہاں جو مشرکین کو نجس قرار دیا گیا، اس سے ان کے یہ مراد نہیں ہے کہ ان کے بدن نجس ہیں، ان کے بدن ناپاک ہیں اور نجس ہیں، بلکہ اس سے مراد ان کے عقیدے کی ناپاکی مراد ہے، کہ ان کا عقیدہ جو ہے وہ بڑا ناپاک ہے. عقیدہ جو ہے وہ ان کا تو اس سے مراد عقیدے کی نجاست ہے بھائی، ان کے بدن کی نجاست مراد نہیں کہ ان کے بدن نجس ہیں. اور عند الاحناف جو ذمی ہے مسجد الحرام میں بھی آ جا سکتے ہیں اور مسجدوں میں بھی آ جا سکتے ہیں. تو حرم اور مسجد الحرام کا ایک ہی حکم ہے، حرم میں بھی آ سکتے ہیں اور مسجد الحرام میں بھی آ سکتے ہیں. اور جو یہاں آیت میں آیا فلا یقربو، پس وہ قریب نہ جائیں کس کے، مسجد الحرام کے. احناف کہتے ہیں یہ نہیں صورتاً نہیں ہے، لیکن حقیقت میں یہ نفی ہے، کہ یہ نفی ہے بصورت نہیں. ایک ہوتی ہے نہیں، ایک ہے نفی، فرق جانتے ہو؟ نہیں جس میں دوسرے کو کسی کام سے روکا جاتا ہے، لا تضرب زیدن، تو زید کی پٹائی نہ کر، امر اور نہیں. امر میں کام کا حکم دیا جاتا ہے اور نہیں میں کام سے روکا جاتا ہے. اور نفی، نفی میں خبر دی جاتی ہے. مثلا میں کہتا ہوں ما جاءنی زیدن، زید میرے پاس نہیں آیا. اب یہ میں آنے سے روک نہیں رہا، بلکہ میں صرف آپ کو ایک خبر اور اطلاع دے رہا ہوں کہ زید میرے پاس نہیں آیا، اس کو کہتے ہیں نفی. تو نفی میں خبر دی جاتی ہے، بات بتلائی جاتی ہے، اور نہیں کے اندر روکا جاتا ہے. اور یہاں پر صیغے تو نہیں والے لا یقربو، یہ قریب نہ جائیں، صیغہ تو نہیں والا، لیکن ہم احناف کہتے ہیں یہ ہے نفی، صورت کس کی، نہیں کی، لیکن در حقیقت یہ کیا ہے، نفی. یعنی اللہ مسلمانوں کو خوشخبری سنا رہے ہیں کہ مشرکین جو ہیں وہ مسجد الحرام کے قریب نہیں آئیں گے، بعد عامہم ہذا، اس سال کے بعد قریب نہیں آئیں گے. یہ معنی نہیں کہ بالکل قریب نہیں، معنی یہ ہے بطور غلبے کے قریب نہیں آئیں گے. ابھی تک تو غالب کون تھے، یہاں پر مشرکین غالب تھے، لیکن آج کے بعد، اس آج کے بعد نہیں، اس سال کے بعد مشرکین یہاں پر غالب ہو کر دوبارہ نہیں آئیں گے مکہ میں. یہ اللہ خوشخبری سنا رہے ہیں مسلمانوں کو. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ نہیں نہیں ہے حقیقت میں، بلکہ یہ حقیقت میں کیا ہے، نفی ہے، ایک خبر دی جا رہی ہے، خوشخبری دی جا رہی ہے. تو عند الاحناف ذمی آ سکتے ہیں، حرم میں بھی آ سکتے ہیں، مسجد الحرام میں بھی آ سکتے ہیں، اور مسجدوں میں بھی آ سکتے ہیں. البتہ حرم میں ان کو عمرہ، طواف اور حج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، ویسے آ سکتے ہیں، بطور عبادت کے نہیں آ سکتے، عبادت نہیں کر سکتے، ان کو اس کو منع کیا گیا ہے. اور نیز آ سکتے ہیں بطور مسافر کے، آ سکتے ہیں، اس جگہ کو وطن نہیں بنا سکتے، یہیں پر رہائش اختیار کر لیں، اس کی اجازت نہیں ہوگی ان کو. اور نیز یہاں مغلوب ہو کر آ سکتے ہیں، ہمارے غلام ہیں یا ہمارے خادم ہو کر تو آ سکتے ہیں، لیکن وہ غالب ہو یہاں پر، ان کا حکم چلے اور یہاں آ کر وہ رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہاں معلوم ہوا عند الاحناف وہ اس کو یہاں وطن بنانے کے طور پر
ये नहीं कहे तवतुन, तवतुन का माना वतन बनाना, और इस्तीला, इस्तीला का माना गालिब होना, वो बतौरे तवतुन के और बतौरे इस्तीला के यहां नहीं आ सकते, बल्कि मुसाफिर के तौर पर आ सकते हैं या बतौरे खादिम या गुलाम वगैरह के आ सकते हैं। अब जवाब देने लगे अहनाफ की तरफ से, कुल ना हम कहते हैं, ला युरादु नहयुल कुफार अन हाजा, के मुराद नहीं है कुफार की नहीं, अन हाजा इस आयत से, इस नस से, यानी इस आयत से। नस याद रखो, नसुन, नून सौद मुशद्दद है, नसुन। नस जो है कुरान और हदीस को कहते हैं, कुरान और हदीस, इसको नस कहते हैं। कहते हैं अन हाजा नसी, इस नस से कुफार की नहीं मुराद नहीं है। मैंने अभी बताया हमारे नजदीक ये नहीं नहीं है, बल्कि क्या है, नफी, सूरत नहीं की है लेकिन हकीकत में ये नफी है। तो हम कहते हैं ला युरादु नहयुल कुफार अन हाजा, कि इससे इस नस से, इस आयत से कुफार की नहीं मुराद नहीं है। लिअन्ना कौलहू, क्योंकि अल्लाह ताला का ये जो कौल है, इन्नमल मुशरिकून नजसुन, के मुशरिकीन जो है वो नजस हैं। ला यूजी, अहनाफ के दलाइल अजीब होते हैं भाई, इंसान हैरान रहता है। वाली साहब जब अहनाफ के दलाइल लिखवाते थे भाई, तिर्मिजी शरीफ के अंदर ऐसे ऐसे कवि दलाइल, हमारे इलम में कोई चीज ना हो वो अलहदा बात है। जब आप मुताला करेंगे, बुजुर्गों की किताबें पढ़ेंगे, आप हैरान रह जाएंगे। अहनाफ के दलाइल इतने मजबूत हैं कि जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता भाई, लफ्जों में। और वाली साहब जब दलाइल जिक्र फरमाते थे, उनका चूंकि मुताला बहुत वसी था, इतना वसीअ मुताला शायद ही कोई ऐसा शख्स आपको मिले, दिन रात मुताले में और तसनीफ व तालीफ में मशगूल रहते थे। वो जरा भी वक्त जाया नहीं करते थे, किसी के साथ बैठकर गपशप लगा लें इसका तो तसव्वुर ही नहीं था। मैंने बड़े बड़े मुताला करने वाले देखे हैं, लेकिन वो भी जब ईद के दिन आते हैं, ईद के दिनों में मुताला नहीं होता, वो मुलाकात होती है या घर वालों के साथ बैठे हैं या कुछ। लेकिन वाले सब पर मैं हैरान होता था, उनके आम दिनों में और ईद के दिन में कोई फर्क नहीं होता था। जैसे आम दिन में एक लम्हा इधर उधर जाया नहीं, बस दीन ही के कामों में हर वक्त मशगूल, ईद का दिन भी बेआईन ही उसी तरह हमने देखा। तमाम जिंदगी जब तक हम देखते रहे उन्हें, एक ही मामूल होता था उनका, और बैठे रहे कभी वैसे नहीं बैठते थे, हर वक्त दीन के काम में मशगूल हैं, या मुताले में, या तसनीफ व तालीफ में, या फिर तदरीस के अंदर भाई। और उमूमन हम देखते थे कि वो मुताला करते करते ही वो सो जाते थे, उनको नींद का बहुत कम नींद करते थे, बहुत कम नींद करते थे, और सुन्नतों पर इतना अमल था कि इंसान हैरान होता था। हत्ता के कैलूले की सुन्नत, छोटी से छोटी सुन्नत, हम तो सुन्नतें पढ़ते हैं, कुछ अमल हो जाता है, कभी सुस्ती हो जाती है, गफलत हो जाती है, कभी रह जाती है, और वो जो सुन्नत, वो जो उनका मुताला इतना वसी, लेकिन जो जो सुन्नत उनको मालूम होती चली गई, वो उनकी जिंदगी का हिस्सा बनती चली गई। हत्ता के कैलूले की सुन्नत को तमाम जिंदगी कभी तर्क नहीं किया भाई। और कैलूला भी ऐसा नहीं कि बाकायदा किताबें रख दी और सो गए आराम से, नहीं, वो बस वो उस वक्त कैलूले के वक्त जो है वो अपना कमरा बंद कर लेते और किताब लेकर लेट जाते भाई। अब लेट कर मुताला कर रहे हैं, इसी में अगर नींद आ गई तो किताब सीने पर खुली हुई है, कुछ देर सो गए, और अगर नींद ना आई तो उसी तरह वो वक्त गुजर गया, थोड़ा सा जो थोड़ी देर के लिए करते थे। तो वो जब दलाइल लिखवाते थे, इतना वसी मुताला, और फिर जब वो दलाइल लिखवाते थे, इंसान झूम उठता था भाई, ऐसे कवि पहाड़ की तरह मजबूत दलाइल अहनाफ के होते थे। और फिर ये दलाइल लिखवाते लिखवाते कभी कभार ये अल्फाज उनकी जुबान पर आ जाते कि मौलाना ये है हनफी मजहब भाई, यूं लगता है बराह रास्त आसमान से नाजिल हो रहा है भाई, ऐसे कवि दलाइल हैं अहनाफ के पास। तो हमारे दलाइल बड़े कवि हैं वो अलग बात है, हम अगर मुताला ना करें, हमें पता ही नहीं हमारे बुजुर्गों ने किताबों में क्या क्या लिखा है, तो वो हमारे इलम की कमी हो सकती है। अहनाफ के दलाइल किसी मसले में कमजोर हो ऐसा नहीं है भाई,
अहनाफ के दलाइल बड़े कवी और बड़े मजबूत हैं भाई, बात समझ में आ रही है। लेकिन यह भी याद रखना, जहां कहीं भी दलाइल की बात जिक्र करें अहनाफ के, तो फिर यह ख्याल रखना कहीं दूसरे अइम्मा की कहीं ऐसे अंदाज ना इख्तियार करना जिससे दूसरे अइम्मा की तोहीन हो रही हो, उनकी इहानत हो रही हो। मैंने पहले भी शायद जिक्र किया हो, बाज मुदर्रिसीन अजीब अंदाज अपनाते हैं, अहनाफ की दलील देते हुए कहते हैं, ए इमाम शाफी रहमल्ला, आपको हमारी ये दलील नजर नहीं आई। भाई ये कैसा अंदाज है, आप क्या क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, आप इमाम दुनिया के सामने बोल रहे हैं। एक वो शख्स जिसको अल्लाह ने मुक्तदा बनाया है, करोड़ों लोग जिनके मजहब पर चल रहे हैं, आप किसी दो आदमियों को नेकी पर लगाते हैं, आपको कितनी खुशी होती है कि अब चलो ये नेकी करेंगे मुझे सवाब मिलेगा। और वो शख्स जिस तमाम करोड़ों लोग सैकड़ों साल से उनके मजहब पर चल रहे हैं, उनके लिए सवाब के समुंदर चल रहे हैं, और वो कितना ऊंचा मकाम है उनका, और आप दूसरे की किताब से मुताला करके, या तो आपने खुद कुरान और हदीस से दलील निकाली हो, फिर भी चलो कोई बात होती कुछ ना कुछ मुताला करते हो, शरह से देख कर आते हो, दलील बताते हो और टक्कर लेते हो इमाम शाफी रहमल्ला से। बात समझ में आ गई भाई? तो कभी याद रखो, बे इंतहा अदब वाला अंदाज हो, ये तमाम अइम्मा, ये तमाम उलमा, ये तमाम फुकाहा, ये अल्लाह के अजीम औलिया हैं भाई, अजीम इल्मी शख्सियात हैं। तो इनकी बात भी करते हुए बे इंतहा अदब, मोहब्बत और अकीदत होनी चाहिए। तो बात चल रही थी अहनाफ के दलाइल की, अब देखिए भाई हमारी दलील जिक्र होने लगी है। कहते हैं ली अन्नक, उनकी दलील क्या थी कि इन्नमल मुश्रिकून नजसुन, मुश्रिकीन क्या है, नजस है, नापाक है, लिहाजा वो मस्जिद में दाखिल ना हो। हम कहते हैं कि नापाकी से उनके बदन की नापाकी नहीं मुराद, बदन नापाक नहीं है, बल्कि नापाकी से मुराद उनके अकीदे की नापाकी है, कि उनके अकीदे नापाक हैं, कुफ्र शिर्क वाले उनके अकीदे हैं, बदन उनके नापाक नहीं है। खुद देखिए दलील कैसे, लिअन्न कौलहू, इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला का ये जो कौल है, इन्नमल मुश्रिकून नजसुन, के मुश्रिकीन नजस हैं, ला युजिबुल हुरमत बाद आमिहिम हाजा। इस तर्जमे पे नजर रखना, यहां तलबा परेशान होते हैं कि ये तर्जमा कैसे करेंगे। ला युजिबुल हुरमता, ये हुरमत को युजिबु ऐ ला युस्बितु, ये हुरमत को साबित नहीं करता। मैंने आपको बतलाया था कि वजब यजिबू सबत यसबुतु के माने में आम किताबों में इस्तेमाल होता है, और अवजब यूजिबू असबता युस्बितु के माने में आम इस्तेमाल होता है। तो यहां ला यूजिबू बमाने ला युस्बितु है कि ये न साबित नहीं करती। तो हम कहते हैं लिअन्न कौलहू, कि अल्लाह का ये जो कौल है, इन्नमल मुश्रिकून नजसुन, कि मुश्रिकीन नजस हैं, ला युजिबुल हुरमता, ये हुरमत को साबित नहीं करता, बाद आमिहिम हाजा, इस साल के बाद, ये हुरमत को साबित नहीं करता इस साल के बाद। कुछ तर्जमा समझ में आया जी? क्या कहना चाहते हैं, ये हुरमत को साबित नहीं करता इस साल के, आयत में आ रहा था ना आखिर में, बाद आमिहिम हाजा। देखा, तो ये तर्जमा तालिब इलम परेशान होता है कि क्या तर्जमा करना है भाई, बात ही नहीं समझ में आ रही। अब सुनो तर्जमा क्या करना है, कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। कहते हैं ये जो अल्लाह का कौल है, इन्नमल मुशिकून नजसुन, ये ला युजिबुल हुरमत बाद आमिहिम हाजा, ये हुरमत को साबित नहीं करता इस साल के बाद, बल्कि ये इसी साल में हुरमत को साबित करता है। ये इस साल के बाद हुरमत नहीं साबित करता, बल्कि अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, मुश्रिकीन क्या हैं, नजस हैं। जब नजस हैं, आगे अल्लाह फरमा रहे हैं इस साल के बाद वो मस्जिद में दाखिल ना हो। भाई अगर ये नजस हैं तो अभी से नजस हैं या साल बाद नजस होंगे, अभी से नजस है। जब अभी से नजस है तो आगे तो अल्लाह फरमा रहे हैं साल, इस साल के बाद वो दाखिल नहीं होंगे, तो होना तो ये चाहिए था जब ये नजस है अभी से ये दाखिल ना हो। अली नमल मुशिकून नजसुन क्या बतला रहे हैं कि इनका मस्जिद में दाखिल होना हराम है, इसी साल से हराम होना चाहिए या अगले साल से हराम होना चाहिए। जब ये नजस है तो अभी से हराम होना चाहिए दाखिल होना, बात समझ में आ गई।
तो मालूम हुआ कि फिर देखिए तर्जमा लिअन्ना कौलहू, इसलिए क्योंकि ये जो अल्लाह ताला का कौल है इन्नमल मुशरिकून नजसुन, कि मुशरिकीन नजस हैं। क्या पता चला कब से नजस हैं? अभी से ही नजस हैं। जब अभी से नजस हैं तो करीब अभी से नहीं आना चाहिए, ना कि अगले साल से। हालांकि आयत में तो क्या आ रहा है, बाद आमहिम हाजा, मालूम हुआ कि वहां पर वो नहीं है। अगर मना करना होता फिर तो अभी से ही दाखिल नहीं होना चाहिए, बल्कि ये क्या है, नफी है, बतलाया जा रहा है अगले साल से ये नहीं आ सकेंगे, अल्लाह खुशखबरी सुना रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं लिअन्ना कौलहू इन्नमल मुशरिकून नजसुन, इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला का ये जो कौल है कि मुशरिकीन नजस हैं, ला यूजिबुल हुरमत बादा आमिहिम हाजा, ये हुरमत को साबित नहीं करता इस साल के बाद। क्या हुरमत? यानी मस्जिद में इनका दाखिल होना हराम है, ये साबित नहीं करता हुरमत को इस साल के बाद। यूं को इस साल के बाद ये हुरमत को साबित नहीं करता, बल्कि इसी साल में हुरमत को साबित। इससे तो मालूम हुआ ये अभी नजस है, अभी नजस है तो अभी से इनका दाखला क्या होना चाहिए, हराम होना चाहिए। बात समझ में आ गई? बलिल मुराद, बल्कि मुराद जो है बिशारतुल मुस्लिमीन, मुसलमानों को खुशखबरी देना है, बि अन्नल कुफार ला यतमक्कनून मिन अद्दुखूल बाद आमिहिम हाजा, कि कुफार जो है वो कादिर नहीं होंगे मिन अद्दुखूल दाखिल होने में बाद आमिहिम हाजा, इस साल के बाद। अल्लाह मुसलमानों को खुशखबरी दे रहे हैं कि ये जो कुफार हैं ला यतमक्कनून मिन अद्दुखूल, ये दाखिल होने पर कादिर नहीं होंगे इस साल के बाद। इस साल के बाद ये हरम में, मस्जिदुल हराम में दाखिल होने पर कादिर नहीं होंगे। साथ एक कैद बढ़ा दें, बिल इस्तीला, गलबे के साथ। इस साल के बाद ये गलबे के साथ मस्जिदुल हराम में दाखिल होने पर कादिर नहीं होंगे। आएंगे तो मगलूब होकर आएंगे, आएंगे तो गुलाम और खादिम बनकर आएंगे, आएंगे तो मुसाफिराना तौर पर आएंगे। अहनाफ के मजहब को बयान कर रहा हूं, बात समझ में आई कि ये मुसाफिर बनकर तो आ सकते हैं या गुलाम और खादिम बनकर आ सकते हैं, लेकिन यकीन गालिब होकर नहीं आ सकते। ये माना है बलिल मुराद बिशारतुल मुस्लिमीन, बल्कि इससे मुराद मुसलमानों की खुशखबरी है, बेअन्नल कुफार ला यतमक्कनून मिन अद्दुखूल, कि कुफार जो है वो कादिर नहीं होंगे दाखिल होने पर, बाद आमिहिम हाजा, इस साल के बाद, बिल इस्तिलाई, किस तरह, गलबे के साथ। नमल मुशरिकून नजसुन, अल्लाह का ये कौल इस साल के बाद इस हुरमत को साबित नहीं करता, बल्कि इसी साल में क्या करता है, हुरमत को साबित कर रहा है। लेकिन अल्लाह तो फरमा रहे हैं कि इस साल के बाद वो मस्जिद में दाखिल ना हो, मस्जिद के करीब ना आए। और इन नमल मुशिकून नजसुन, ये कौल क्या कर रहा है, ये इसी साल में इनकी हुरमत को, इससे तो साबित हो रहा है कि इसी साल उनको नहीं आना चाहिए, क्योंकि मुशिकीन क्या है, नजस है। लेकिन अल्लाह क्या फरमा रहे, इस साल के बाद ये मस्जिद के करीब ना आए। तो देखा अहनाफ का मजहब साबित हो गया, मालूम हुआ इन्नमल मुशरिकून नजसुन, नजासत से मुराद उनके बदन की नजासत नहीं है, उनके बदन नापाक नहीं है। अगर बदन नापाक होते फिर तो इसी साल से इनको दाखिल नहीं होना चाहिए था। मालूम हुआ नजासत से मुराद उनके अकीदे की नजासत है, उनका अकीदा नजस है। यहां तक बात समझ में आ गई? وَعِيَادَتُهُ وَإِخْصَاءُ الْبَهَائِمِ وَإِنْزَاءُ الْحَمِيرِ عَلَى الْخَيْلِ وَالْحُقْنَةُ, ये सब भी उसी अख्ज़ु दैन पर आतफ है, और ये भी फाइल है, सब जाजा के भाई, और वो जायज है। وَعِيَادَتُهُ عِيَادَةُ الزِّمِّي, हा जमीर किसको राजे, जिम्मी, जिम्मी की इयादत जायज है। कोई मुसलमान कोई काफिर रहता है उसके अड़ोस उसके पड़ोस में कोई, और वो उसकी इयादत के लिए जाता है तो ये जायज है भाई, क्योंकि ये उसके इस्लाम की तरफ आने का सबब बनेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रिवायात में आता है, वो एक यहूदी था, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था, तो वो बीमार हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इयादत के लिए तशरीफ ले गए,
और फिर वहां आपने उससे फरमाया कि मुसलमान हो जाओ भाई, तो वो मुसलमान हो गया। तो हुजूर ने फरमाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि जिसने इसको जहन्नुम की आग से आजादी नसीब फरमा दी। तो मालूम हुआ कि जिम्मी यानी काफिर जो है उनकी इयादत के लिए मुसलमान जा सकता है। तो कहते हैं वह इयादतु जिम्मी, और जायज है जिम्मी की इयादत करना। वह इख्साउल बहाइमी, बहाइम भाई मवेशी चौपाए, इख्सा खसी करना, खसी बनाना, तो चौपाए और मवेशियों को खसी बनाना जायज है भाई, जायज है। इनको खसी बनाया जाता है, कहते हैं इसमें इससे उस वो हैवान उसका गोश्त जो है बड़ा लजीज हो जाता है, वो हैवान मोटा ताजा हो जाता है और उसका गोश्त लजीज हो जाता है, तो ये जायज है भाई। और नीज हदीस में आया है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी ऐसे दुम्बों की कुर्बानी की, ऐसे मेंढे जो खसी थे भाई, मालूम हुआ कि खसी करना जायज है भाई। तो जायज है इख्सा उल बहाइमी, चौपायों को खसी करना। व इंजा उल हमीर अल खैली, इंजा इंजा कहते हैं जुफ्ती करवाना, यानी नर हैवान की मादा हैवान के साथ जुफ्ती करवाना ताकि वो बच्चा पैदा हो उनका, तो वो इंजा उल हमीर, हमीर कहते हैं गधे को, खैल जो है घोड़ों की जमात को कहते हैं, तो ये जायज है गधे की जुफ्ती घोड़े के साथ करवाना। इसलिए क्योंकि गधे की जुफ्ती जब घोड़ी से करवाई जाएगी तो इससे खच्चर पैदा होगा, खच्चर। और हदीस में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खच्चर पर सवारी फरमाई है, हुजूर का खच्चर पर सवारी फरमाना ये दलील है इस बात की, मालूम हुआ कि ये मालूम हुआ खच्चर का पैदा करवाना जायज है। और वो इसी तरह होगा कि इंजा ए हमीर करवाया जाए अलल खैली, किस पर, खैल पर। बात समझ में आ गई। वो इंजा उल हमीर अलल खैली, और जुफ्ती करवाना गधों की अलल खैली घोड़ियों से, ये जायज है। वल हुकना तू, और हुकना भी जायज है। हुकना भाई ये तरीके इलाज था कि बाज अमराज की सूरत में इंसान के पखाने के रास्ते दवा उस ऊपर को चढ़ाई जाती थी, दाखिल की जाती थी, उसको हुकना कहते। तो कहते हैं हुकना भी जायज है क्योंकि ये एक इलाज है, बाज मरज का इलाज ही इसी से होता था, तो इसलिए ये जायज है। तो कहते हैं वल हुकना तो, और हुकना जायज है। व रिज़्क़ुल काजी, और काजी की तनख्वाह ये भी जायज है, यानी काजी के लिए तनख्वाह मुकर्रर करना जायज है कि बैतुल माल से उसकी तनख्वाह दी जाए। आई मीन बैतुल माल, यानी कि बैतुल माल से। फइन्नल क़ज़ा अव इन काना इबादतन, भाई देखिए ये जो क़ज़ा है ना, फैसले करना लोगों के दरमियान, ये इबादत है, और इबादत पर तो उजरत नहीं ली जाती, तो फिर इसकी उजरत क्यों है। कहते हैं भाई अगर ये इबादत है लेकिन अगर आप इसकी उजरत नहीं देंगे तो फिर तो कोई काजी बनेगा ही नहीं, अपने घर का खर्चा कहां से चलाएगा भाई। काजी तो दिन रात मसरूफ रहता है, इतने साइलीन होते हैं, इंसाफ के लिए दूर दूर से लोग उसके पास आते हैं, तो वो घर का खर्चा कैसे चलाएगा। तो अगर आप उसे तनख्वाह नहीं देंगे तो ये तो फिर कोई दूसरा शख्स काजी बनने के लिए तैयार ही नहीं होगा। और नीज इसलिए भी तनख्वाह जायज है क्योंकि ये तनख्वाह आप इसको ये फैसले करने पर तनख्वाह नहीं दे रहे, फैसले करना ये तो इबादत है, ये तनख्वाह आप दे रहे हैं, ये जो इसने अपना वक्त जो है आपको दे दिया, तो ये इसके वक्त का इवज है, इसके ये फैसलों का इवज नहीं, इसने अपना वक्त दिया अपने घर बार और बच्चों के साथ मशगूल होने के बजाय इस काम के लिए अपना सारा वक्त दे दिया, तो ये आप उसके वक्त की उजरत दे रहे हैं, उसके कजा की उजरत नहीं दे रहे। तो कहते हैं फइन्नल कजा व इन काना इबादतन, और कजा जो है अगरचे वो इबादत है, वला अजरा अलल इबादती, और इबादत पर तो कोई उजरत नहीं होती, फहाजा यजूज, तो ये जायज है, यानी यहां काजी को तनख्वाह देंगे। लिअन्ना फिल मनइल इम्तिनाउ अनिल कजाई, इसलिए क्योंकि रोकने में अल इम्तिनाउ बाज रहना है कजा से, तनख्वाह को रोकने में बाज रहना है कजा से, कि लोग बाज रहेंगे रुक जाएंगे काजी बनेंगे ही नहीं। तो मना करना, मना यमनाओं का माना रोकना,
और इम्तिना का माना है खुद रुकना, तो मना करने में यानी तनख्वाह के रोकने में अल इम्तिनाउ रुकना है लोगों का अनिल कजा, किससे? कजा से। व सफरुल अमती, ये सब उसी जाजा पर जाजा के तहत हैं भाई। व सफरुल अमती व उम्मिल वलदी बिला महरमीन, और बांदी का सफर करना और उम्मे वलद का सफर करना बगैर महरम के, ये भी जायज है भाई। बांदी जो है, बांदी गैर मर्दों का उसकी तरफ नजर करना किसकी तरह है? महरम की तरह, महरम की तरह। तो लिहाजा बांदी बगैर महरम के भी सफर कर सकती है भाई। और इसी तरह उम्मे वलद, उम्मे वलद किसे कहते हैं? जी, एक शख्स है उसकी बांदी ने एक बच्चे को जन्म दिया, तो ये तवज्जो है, उम्मे वलद किसे कहते हैं? एक शख्स है उसकी बांदी ने बच्चे को जन्म दिया, तो ये बांदी उसकी क्या बन गई? उम्मे वलद। नहीं भाई, ऐसे नहीं बनेगी बांदी उम्मे वलद। एक शख्स की बांदी है, वो उसके साथ वती करता है और उस बांदी ने एक बच्चे को जन्म दिया, अब आप कहें ये उसकी उम्मे वलद बन गई? नहीं, सिर्फ बच्चे को जन्म देने से उम्मे वलद नहीं बनेगी। जब तक आका ये न कह दे ये मेरा बच्चा है, जब वो मान जाएगा इकरार कर लेगा ये मेरा बच्चा है, अब ये उसकी उम्मे वलद बन गई। बात समझ में आ गई? बीवी से जो बच्चा हो वो खुद बखुद खावंद का शुमार होता है, लेकिन बांदी से जो बच्चा हो उसमें आका का इकरार जरूरी है, और जब तक वो इकरार नहीं करेगा तो ये उसकी उम्मे वलद नहीं बनेगी। और फिर उम्मे वलद जो है इसको बेचना जायज नहीं, अब इसने आजाद होना है। आका जिस दिन मरेगा ये क्या हो जाएगी? आजाद, क्योंकि इसका बच्चा आका का बच्चा है और वो बच्चा आजाद है, वो बच्चा क्योंकि आका का बच्चा है ना, तो वो आजाद है। वरना जो बांदी का बच्चा होता है वो गुलाम या बांदी ही होता है। याद रखो, गुलामी और आजादी में जो बच्चा होता है वो मां के ताबे होता है। अगर मां आजाद तो बच्चा भी आजाद, अगर मां बांदी है तो बच्चा भी गुलाम या बांदी होगा। और यहां यहां तो चूंकि आका का बच्चा है इसलिए वो आजाद है। किसी और का बच्चा ये होता, ये आका ने किसी से निकाह करवाया होता और उस निकाह की वजह से इस बांदी का बच्चा पैदा होता, तो वो इसी आका का गुलाम शुमार होना था। बच्चा तो खामंद का, लेकिन गुलाम किसका? आका का। तो लेकिन यहां पर तो आका का बच्चा है, तो इसलिए ये अब उम्मे वलद बन गई और ये इसका ये बच्चा आजाद, क्योंकि ये आका का बच्चा है, आका ने कह दिया ये मेरी औलाद है। और ये बांदी, इस बांदी के लिए ये बच्चा आजादी का सबब बन जाएगा। ये चूंकि मालिक के बच्चे की मां बन गई, उम्मे वलद बन गई, उसके बच्चे की मां बन गई, लिहाजा अब जब आका अगर मर गया तो ये बांदी आजाद हो जाएगी, तो आजादी इसका हक हो चुका है, लिहाजा आका के लिए इसको बेचना जायज नहीं है भाई। तो कहते हैं वह सफरुल अमती व उम्मिल वलदी, और जायज है बांदी का सफर करना और उम्मे वलद का बिला महरमीन, बगैर किसी महरम के। फइन नमस अज़ाइहिमा फिल इरकाबी का मस्सी अज़ाइल महारिमी, इसलिए क्योंकि मस का माना छूना। फइन नमस अज़ाइहिमा फिल इरकाबी, इसलिए क्योंकि इनके अज़ा को छूना, ये जो बांदी है या उम्मे वलद है, इनके अज़ा को छूना, फिल इरकाबी सवार करवाने में। रुकूब का माना खुद सवार होना और इरकाब का माना दूसरे को सवार करना। सवार करवाने में इनके आजा को छूना का मस आजा इल महारिमी, ये ऐसे ही है जैसे कि अपनी महरम के आजा को छूना। भाई अब तो अल्लाह ताला ने आसानियां फरमा दी, अब तो बहुत सी किस्म की सवारियां आ गई और आसानी से इंसान उसमें सवार हो जाता है, हत्ता कि किसी के सहारे वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कदीम जमाने में तो ऊंट, खच्चर या गधे वगैरह पर, घोड़े वगैरह पर सफर किया जाता था, और इन पर सवार होने के लिए जाहिर सी बात है औरत को सहारा देना पड़ता था भाई, कि घोड़े पर या गधे पर या ऊंट पर सवार हो रही है तो सहारा देना पड़ता था। तो अब ये जो बांदी है या उम्मे वलद है,
इसको जाहिर सी बात है, इस सवारी पर सवार होने के लिए क्या करना पड़ेगा, सहारा देना पड़ेगा। अब इसके साथ इसका महरम वगैरह नहीं, तो फिर कौन सहारा दे। कहते हैं भाई आप पढ़ चुके हैं कि आप गैर की बांदी लोगों के लिए किसकी तरह है, उनके महरम की तरह है, लिहाजा जब यहां कोई भी सहारा दे दे तो सहारा दे सकता है। ये इसी तरह है जैसे अपनी महरम को सहारा दे रहा हो। ये माना है फैन मस आजा ही माफिल इरकाबी, इसलिए क्योंकि इनके आजा को छूना फिल इरकाबी सवार करवाने में, का मस आजा इल महारिम, ये ऐसे ही है जैसे महारिम के आजा को छूना। व शिरा उमा ला बुद्दा लि तिफ्ल मिनहु व बैउहु लि अखिन व अम्मिन व उम्मिन व मुल्तकितिन। भाई सूरत मसला ये, भाई एक छोटा बच्चा है और ये छोटा बच्चा मसलन मालदार है, इसका बाप फौत हो गया और बच्चे को माल मिल गया है, लेकिन ये अभी छोटा सा है, 1-2 साल का है, 3 साल का है, या किसी ने इसके लिए वसीयत कर दी कि मेरे मरने के बाद इस बच्चे को मेरे माल में से 1 करोड़ रुपया दे देना, और वो शख्स मर गया तो इस बच्चे को माल मिल गया। अब जो जिन लोगों की ये बच्चा हिफाजत में है, परवरिश में है, वो उसके माल में से उस पर जरूरत के बकदर खर्च करेंगे। बच्चे के माल में से, उस बच्चे ने भी तो खाना पीना है, उसके लिए कपड़ों की जरूरत, खाने पीने की जरूरत और जरूरत की चीजें चाहिए, तो वो जिनकी हिफाजत में है यानी जिनकी परवरिश और सरपरस्ती में है, वो इस बच्चे पर इस बच्चे के माल में से जरूरत के बकदर खर्च कर सकते हैं। और फिर बच्चे की चीजों में से अगर किसी चीज को बच्चे के लिए जैसे किसी चीज के खरीदने की जरूरत पड़ती है, इसी तरह कभी उसकी किसी चीज को बेचने की भी जरूरत पड़ती है, तो जरूरियात को खरीदना या बेचना ये सब ये काम कर सकते हैं। हाँ, इनमें से अगर कोई बच्चे को इजारे पर देना चाहे, यानी किसी का मुलाजिम किसी के पास बच्चे को रखवा देता है, 10-12 साल का बच्चा है, वो उसको किसी के पास मुलाजिम रखवा देता है ताकि कुछ पैसे हासिल हो जाएं बच्चे के, मतलब माल वाली शर्त जरा खत्म कर दो, बच्चा है वो बाप फौत हो चुका है और वो चचा की परवरिश में है या भाई की परवरिश में है या मां की परवरिश में है, तो ये बच्चे पर की जरूरियात के लिए चीजें खरीद भी सकते हैं और उस पर और उनको बेच भी सकते हैं, और इसी तरह ये बच्चे को इजारे पर किसी मुलाजमत के पर रखवाते हैं, तो याद रखो माँ को तो इसकी इजाजत है, चचा या भाई वगैरह को इसकी इजाजत नहीं, चचा या भाई को इसकी इजाजत नहीं कि वो क्या करें, बच्चे को मुलाजिम रखवाएं, उससे काम करवाएं, उससे मजदूरी करवाएं। देखिए भाई कहते हैं वशीरा उमा ला बुद्ध लितिफली मिनहू, और खरीदना माँ वो चीज, ला बुद्ध लितिफली मिनहू जो जरूर, ला बुद्धि चीज जो जरूरी हो, ला बुद्धा जरूरी हो, वशीरा उमा ला बुद्ध लितिफली मिनहू, और खरीदना उस चीज को जो जरूरी है बच्चे के लिए, व बैउहू और बेचना उसका जो जरूरी है बच्चे के लिए, जिनका बेचना, तो जो जरूरी चीज है वो बच्चे के लिए खरीदना और उसको बेचना, ली आखिन, ये जायज है किसके लिए, भाई के लिए अगर भाई की परवरिश में है, वह अम्मिन और चचा के लिए जबकि वो चचा की परवरिश में है, वह उम्मिन और माँ के लिए जबकि वो क्या हो, बच्चा उस माँ की परवरिश में हो, वह मुल्तकितिन और उसको उठाने वाला, वो बच्चा क्या हो उसकी परवरिश में हो, मैं सबके साथ कैद लगा रहा हूं, बच्चा क्या हो उनकी, बच्चा उनकी परवरिश में हो, खुद आगे आ रहा है, हुआ फी हिजरिहिम, इस हाल में कि वो बच्चा इनकी परवरिश में हो, तो फिर इनके लिए बच्चे की जरूरियात खरीदना भी जायज और बेचना भी जायज है। भाई मुल्तकित लफ्ज आया, भाई मुल्तकित इल्तकता यल्तकितु के माने हैं जमीन से कोई चीज उठाना, तो मुल्तकित उठाने वाला। बाज़ औक़ात किसी ऐसा होता है किसी को रास्ते में कोई बच्चा मिल गया, नौ मौलूद बच्चा कोई रास्ते में छोड़ गया, तो इस बच्चे को कहते हैं लकीत। भाई लकीत लाम काफ दो नुक्तों वाला या और त्वा लकीत, और असल में लकता यल्कुतु के माने होते हैं जमीन से कोई चीज उठाना,
तो ये भी जमीन से उठाया गया है चूंकि इस बच्चे को, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लकीत कहते बिल्कुल हैं। और जो उठाने वाला है वो क्या है, मुल्तकित। तो ये ऐसा बच्चा है जिसके माँ बाप का कोई पता नहीं, नसब का कोई पता नहीं, कोई रास्ते में छोड़ गया इसको, तो ये जो नौमौलूद है इसको क्या कहेंगे, लकीत। तो इस लकीत के लिए भी कोई चीज खरीद, जरूरियात को खरीदना या बेचना, मसल किसी ने इसको माल दे दिया, माल का मालिक बना दिया, तो इस लकीत के लिए भी जरूरियात की चीजें खरीदना और इसके माल में से कोई जरूरत की वजह से किसी चीज को बेचना, ये मुल्तकित के लिए जायज है, जबकि ये उसकी परवरिश में हो। परवरिश क्या हो, उसकी में परवरिश में हो। तो कहते हैं वल मुल्तकितिन, और मुल्तकित के लिए हुआ फी हिजरिहिम। हिजर कहते हैं गोद को, जैसे कहते हैं बच्चा मां की गोद में है, मां ने बच्चे को उठाया हो तो क्या कहते हैं, बच्चा मां की गोद में है। इसी तरह हिजर हिफाजत को भी कहते हैं, और यहां यह हिफाजत के माना में है। कोई बच्चा किसी की परवरिश में हो तो कहते हैं हुआ फी हिजरी ही, ये बच्चा उसकी हिफाजत में है, यानी उसकी परवरिश में है। माना समझ में आया। जी। फिर देख लो तर्जमा, व शिरा उमाला बुद्दली तिफली मिन हुआ बैली अखिम व अमिन व उम्मिन व मुलतकिन हुआ फी हिजरिहिम। और खरीदना जरूरियात को बच्चे के लिए, व बै और उनका बेचना ले अखिन जायज है, भाई के लिए और चचा के लिए और माँ के लिए और ऐस और मुल्तकित के लिए, इस हाल में कि वो बच्चा इनकी परवरिश में हो, इनकी हिफाजत में हो। अगर हिफाजत में न हो फिर भाई चचा वगैरह और ये मुल्तकित के लिए इन चीजों को खरीदना बेचना उसके लिए जायज नहीं है। वह इजारतुहु ली उम्मी ही फकत, ऐ जाजा इजारतुहु ली उम्मी ही फकत, मैंने बताया ये सब उस जाजा के तहत आ रहे हैं। और जायज है बच्चे को इजारे पर देना, यानी मुलाजिम रखवाना, मजदूरी पर देना, ले उम्मी ही फकत, सिर्फ उसकी मां के लिए। मजदूरी करवानी है वो सिर्फ मां करवा सकती है, चचा या भाई या मुल्तकित नहीं कर नहीं सकते। करवा सकते। भाई क्यों, क्या वजह है, कहते हैं फईन अल उम्म तमलिकु इतलाफ मनाफिही बिल इस्तेखदामी। भाई देखिए, मां कहते हैं बच्चे से खिदमत ले सकती है, मां बच्चे से, मां को अल्लाह ने बड़ा मकाम और रुतबा दिया है, उसने इस बच्चे के लिए बड़ी तकलीफें उठाई हैं, बड़ी मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, लिहाजा शरीयत ने उसके लिए जायज करार दिया कि वो अपने बच्चे से अपनी खिदमत ले सकती है। और देखो जब ये मां बच्चे से खिदमत लेगी तो देखो ये बच्चे के मनाफे को तलफ कर रही है। क्या कर रही है भाई, इसी बच्चे से अगर मजदूरी करवाई जाती तो पैसे आते या ना आते, लेकिन मजदूरी करवाने के बजाय ये अपनी खिदमत ले रही है, तो ये बच्चे के जो मुनाफे हैं, जो फायदे हैं, जो इससे कमाई हो सकती है, उनको क्या कर रही है, तलफ कर रही है। यूं कहे अपने ऊपर खर्च कर रही है, यानी दूसरे अल्फाज में क्या कहो, तलफ कर रही है, तलफ कर रही है ना, मजदूरी तो कर नहीं रहा, पैसे तो आ नहीं रहे। तो जब मां अपनी खिदमत लेकर बच्चे के मुनाफे को बगैर इवज के तलफ कर सकती है, अब बच्चे के मुनाफे तलफ हो रहे हैं या नहीं जी, और कोई पैसे आ रहे हैं, बच्चे को कोई पैसे मिल रहे हैं नहीं, तो जब बगैर इवज के मां बच्चे के मुनाफे तलफ करवा सकती है, बई सूरत के इससे अपनी खिदमत लेती रहे। तो जब मां बगैर इवज बच्चे के मुनाफे तलफ करवा सकती है, तो इवज के बदले बतरीके औरा मुनाफे तलफ करवा सकती है, यानी इवज ले ले कि जाकर फलां का काम करो, पैसे आ जाएंगे। दलील समझ में आ गई, ये माना है फईन अल उम्म तमलिकु इतलाफ मनाफिही बिल इस्तेखदामी, इसलिए क्योंकि मां जो है वो मालिक है इस बात की कि वो बच्चे के मुनाफे को तलफ करवाए, बिल इस्तेखदामी उससे खिदमत लेकर। वला कजालिका गैरुहा, और इस तरह कोई और नहीं है, मां के अलावा किसी और के लिए ये जायज नहीं है, तो उनके लिए मजदूरी करवाना भी जायज नहीं। वह बैउल आसीरी मि मैयत तखिदु खमरन, सूरत ये, एक शख्स जो है उसके पास अंगूर का रस पड़ा है, अंगूर का शीरा पड़ा है, वो इस रस को बेचता है एक दूसरे शख्स के हाथ, और उसको पता है कि ये उससे ले जाकर शराब बनाएगा, तो क्या ये बेचना जायज है उसके हाथ, कहते हैं हां भाई बेच सकता है, बेच सकता है, इसलिए क्योंकि ये तो उसको शीरा बेच रहा है, आगे जाकर वो उससे शराब बनाएगा, तो उस चीज की हकीकत ही बदल गई।
पहले शीरा था, अब क्या बन गई? शराब। तो जो शीरा है, ऐने शीरे से गुना होगा, यह हकीकत बदलने के बाद शराब से गुना होगा। हकीकत जब बदल गई, शराब बन गई, अब इसको कोई पिएगा तो गुना होगा। तो ये जिस चीज को बेच रहा है उसकी जात के साथ गुनाह वाबस्ता नहीं है, बल्कि उसकी हकीकत बदलने के बाद अब उससे गुनाह का ताल्लुक आएगा, लिहाजा इसलिए इसके लिए वो बेचना जायज। जबकि इसके मुकाबले में अगर कोई शख्स असलहा बेचता है तो, और फितने वाले लोगों में से कोई आकर उससे असलहा खरीदता है, तो याद रखो इसके लिए उनके हाथ असलहा फरोख्त करना जायज नहीं। कहते हैं भाई यहां भी तो ये तो सिर्फ बेच रहा है, गुनाह तो दूसरा ले जाकर उससे करेगा, तो जायज होना चाहिए। कहते हैं नहीं भाई, दोनों मसलों में फर्क है। यहां जो असलहा बेच रहा है, बेआईन ही उसी असलहे से गुनाह किया जाएगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। जबकि पिछले मसले में जो जो उसने शीरा बेचा, उस शीरे के वजह से गुना नहीं, उसका ताल्लुक उससे नहीं आया, बल्कि गुना उसकी हकीकत बदलने के बाद फिर गुना उसका ताल्लुक उससे हुआ। सूरत समझ में आ गई? तो कहते हैं वह बैउल आसीरी मिम्मैयत तखिदु खमरा, वो आसीर कहते हैं अंगूर का रस, भाई शीरा, और जायज है अंगूर के रस यानी शीरे को बेचना, मिमन उस शख्स के हाथ, यत्तखिज़ु खमरा जो उससे शराब बनाता है, उसके हाथ बेचना जायज है। ये सब उसी जाजा के तहत है, ऐ जाजा बैउल आसीर, ये उसी अखज़े दैन पर आतफ है। और एक और बात याद रखना, बा का सिला मिन आता है, बाआ का सिला मिन, वो जो हर्फे जर किसी फेल के साथ इस्तेमाल हो उसको उसका सिला कहते हैं। तो बाआ का सिला क्या आता है? मिन। मसलन मैं कहता हूं मैंने ये किताब जैद के हाथ फरोख्त की, ये किताब मैंने, तो मैं हुआ बाएर, तो मैं कहूंगा बेर, तो मैंने बेचा किसके हाथ, किसको बेचा? किताब को। बिअतु किताबन या बिअतुल किताबा, मैंने ये वाली किताब बेची किसके हाथ? जैद के हाथ। तो कहेंगे मिन जैदिन, बिअतुल किताबा मिन जैदिन। तो अब आप हैरान ना हो, मैंने किताब बेची जैद से, क्योंकि मिन का तर्जमा तो उर्दू में उमूमन तुलबा से करते हैं, नहीं, यहां मिन का तर्जमा करेंगे जैद के हाथ, बिअतुल किताबा, ये मैंने किताब जैद के हाथ बेची, या इसका तर्जमा पर के साथ करेंगे, पर मैंने ये किताब जैद पर बेची, जैद पर बेची। और जहां इश्तिबा ना हो वहां को के साथ भी तर्जमा कर सकते हैं, ये मैंने किताब जैद को बेची। तो यहां पर भी इसी तरह है, वह बैउल आसीरी अंगूर के रस को बेचना, मिमयत, देखो मिन आ रहा है, मिम्मन उस शख्स के हाथ, यत्तखिज़ु खमरा जो उससे शराब बनाता है, फइन्नल मासियत ला तकूमु बिऐनिल असीरी, इसलिए क्योंकि गुनाह जो है वो कायम नहीं है ऐन रस के साथ, उसी की जात के साथ नहीं गुनाह कायम, बल्कि उसकी हकीकत बदलेगी फिर, यानी शराब बनेगा फिर इससे गुनाह कायम होगा, लिहाजा जायज है। बिखिलाफी बैसलाही, बखिलाफ असलहे का बेचना, मिम्मन उस शख्स के हाथ, यो अलमू जिसके बारे में ये मालूम है कि अन्नहु मिन अहलिल फितनती, कि ये किस में से है? फितने वालों में से है, इसके जरिए वो लोगों को और मुसलमानों को कत्ल करेगा, ये जायज नहीं। फइन्नल मासियत तकूमु बिआइनिही, इसलिए क्योंकि वहां पर जो गुनाह है वो ऐन असलहे के साथ ही कायम होगा, ऐन असलहे के जरिए ही गुनाह किया जाएगा, उसकी हकीकत में कोई तब्दीली नहीं आती। जबकि यहां पर ऐन शीरे के साथ गुनाह कायम नहीं, ऐन शीरे के जरिए गुनाह नहीं, बल्कि उसकी हकीकत बदल जाएगी फिर उसके साथ गुनाह कायम होगा। फर्क समझ में आ गया? وَحَمْلُ خَمْرِ زِمِّيٍّ بِأُجْرَةٍ اَيْ جَازَ حَمْلُ, और जायज है उठाना। सूरत ये भाई, एक जिम्मी है, उसके पास शराब का एक मटका है, एक मुसलमान मजदूर उसकी शराब का मटका उठाता है और उसके घर तक या उसकी मंजिल तक पहुंचाता है और उजरत लेता है उसके, तो क्या मुसलमान के लिए जायज है जो शराब उठाकर ले जा रहा है और उसकी उजरत ले रहा है? तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जायज है, वो उठाकर ले जा सकता है, जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि ये जायज नहीं, और फतवा साहिबैन के कौल पर है। बात समझ में आ गई? इमाम साहब फरमाते हैं
कि जायज है, इसलिए क्योंकि ये जो शराब उठाकर ले जा रहा है ये तो सिर्फ उठाने का काम है, और बाकी आगे इससे गुनाह जो होगा वो उनका अपना अलग फेल है, उनका अपना अलग फेल है, तो लिहाजा उनकी इस की निस्बत उन्हीं की तरफ की जाएगी, इसकी तरफ नहीं की जाएगी। लेकिन साहिबान फरमाते हैं नहीं, ये गुना में मदद है, गुना में इआनत बन रहा है, लिहाजा उसके लिए जायज नहीं है। तो कहते हैं वह हमलु खमरी जिम्मीन, और जिम्मी की शराब उठाना भी उजरतीन उजरत के बदले ये भी जायज है। हाँ दाइंदा भी हनीफा रहमल्ला, ये इमाम साहिब के नजदीक है। वाइंदा हुमा लाया जूजू, और साहिबैन के नजदीक ये जायज नहीं है। वला यहिलु लहुल अजरू, और उसके लिए वो उजरत हलाल नहीं है, ये साहिबैन फरमा रहे। चलिए बस भाई, हादा हुल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।